खबर फिरोजाबाद से है। समाज सेवी एवं ब्रिजेश पार्लर के मालिक ब्रिजेश यादव की गाड़ी अचानक गिरी नाले में, वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर जमकर वायरल। ढलान पर न्यूट्रल खड़ी थी गाड़ी, अचानक अपने आप गिरी नाले में। कार चालक की लापरवाही से हुआ हादसा, गाड़ी खड़ी करके निकल गया था चालक। न्यूट्रल बिना हेड ब्रेक के खड़ी गाड़ी अपने चलते हुए नाले में जा गिरी। प्रत्यक्षदर्शियों ने बनाया वीडियो, बताया आंखों देखा वृतांत। फिलहाल इस कार का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग तरह तरह लिख रहे हैं कैप्शन। दरअसल बेटा शोरूम पे आया था अभी, मैं पूजा कर रहा था, तब तक बेटा ने गाड़ी खड़ी करी तो बोनट पर छपकर ही आ गई अंदर। अंदर छपकर ही देख कर कहीं गाड़ी खड़ी कर दी, हैंडब्रेक लगा दिया, गियर में डाल दी गाड़ी के, ढकने आ गई। और कर्मचारी ने कहा इसको खोल करके इसको छपकर निकलवा दो बाहर निकल जाए। कर्मचारी अंदर घुसे, उन्होंने किसी तरीके से हैंड ब्रेक दबा दिया और गियर भी निकाल दिया। उससे हुआ क्या, ढकती गाड़ी सीधी ढकती हुई चली गई और जो नाले किनारे वो स्टैंड बने हुए हैं आरसीसी के, वो नगर निगम के दिखावटी थे, वो जरा सी पुश होने में दोनों चले गए अंदर, गाड़ी सीधी अंदर चली गई, दोनों डिवाइडर अंदर चले गए। ये नगर निगम की आपके सामने पोल दिख रही है इस पर कि कितना पैसा लगता है नगर निगम, करोड़ों रुपये आता है नगर निगम का हमारा, और कहाँ जाता है ये। जरा से हल्के से उसको चले गए। नाले ढाकू अभियान हमने इतनी मेहनत की, एक महीने हमने वो चलाया, अनशन चलाया, सब कुछ किया, नाले ढका होता तो ऐसा ये घटना नहीं घटती। वो तो अच्छा ईश्वर की कृपा रही, वो राहगीर सामने नहीं आया, ना कुचल सकता था वो। ये तो लगभग ये 35,000 के आसपास, 35,000 का नुकसान हुआ है। फिरोजाबाद से ब्रजेश राठौर की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।